और मैं हूं आपके साथ निभा से। बिहार विधानसभा चुनाव के तारीख की घोषणा अब शीघ्र ही हो जाएगी। ऐसे में पक्ष विपक्ष का वार पलटवार तो चलते ही रहता है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने एक बेरोजगारी का मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार, मोदी सरकार और राज्य सरकार, नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने उस ट्वीट का जवाब मांगा है जो कुछ समय पहले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया था। रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करके ये कहा था कि भागलपुर और दरभंगा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की शीघ्र ही स्थापना कर दी जाएगी। इस पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा, 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं साहब। शीघ्र का परिभाषा क्या होता है? 15 वर्षों में नीतीश कुमार जी और बीजेपी ने मिलकर बिहार के युवाओं को भरमाने और ठगने के अलावा कुछ नहीं किया। इसके साथ ही तेजस्वी यादव बेरोजगारी, पलायन, उद्योग धंधे से संबंधित प्रेस रिलीज जारी कर बिहार सरकार पर कई सारे सवाल दाग दिए, जिसमें से पहला सवाल है कि देश में सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में क्यों है? 15 वर्षों की एनडीए सरकार बताए कि बिहार में आईटी कंपनियां क्यों नहीं बुलाई गई, क्यों नहीं आई और क्यों नहीं आ सकती? बिहार में आईटी पार्क सीजेस क्यों नहीं बन सकते? बिहार में केला, मकई, मखाना, चावल, गन्ना, आलू, लीची, आम इत्यादि अनेकों विश्व प्रसिद्ध अनाज, फल, सब्जियों का इतना उत्पादन होता है, तो फिर इन सभी से संबंधित खाद प्रसंस्करण उद्योग 15 वर्षों में क्यों नहीं लगाए गए और क्यों नहीं लग सकते? 15 वर्षों की सरकार जवाब दे। बिहार दूसरे प्रदेशों जैसे आंध्र प्रदेश से मछली खरीदता है। 15 वर्षों की सरकार बताए कि हम बिहार तमाम मछली उत्पादन संबंधित संस्थान होने के बावजूद यहाँ ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते? बिहार में मछली उत्पादन को बढ़ावा देकर यहाँ जिलावार मछली बाजार लगाकर मछुआरों की आमदनी और उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा सकते? 15 वर्षों की नीतीश कुमार की सरकार बताए कि बिहार में इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लस्टर क्यों नहीं लगाए जा सकते? 15 वर्षों में बिहार का कुल कितने लाख करोड़ शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर दूसरे प्रदेशों में गए? बिहार के मानव संसाधन का कुल कितने प्रतिशत बिहार में और दूसरे प्रदेशों में कार्यरत हैं? साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि आशा है बिहार के करोड़ों बेरोजगार युवाओं के भविष्य से संबंधित इन अति आवश्यक सवालों का जवाब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अवश्य दें। जैसा कि तेजस्वी यादव ने 17 सवाल के जवाब नीतीश कुमार से मांगे हैं, अब देखना ये है कि इन 17 सवाल के जवाब नीतीश कुमार के पास है या नहीं और इन सवालों के जवाब नीतीश कुमार दे पाते हैं या नहीं। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए इंडी न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दे और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।